वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम इंटरजेक्शंस को समझेंगे ठीक से। हम इस लेक्चर में इंटरजेक्शंस का डेफिनेशंस के साथ साथ इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस बीच जो अंतर है, जो सिमिलरिटी है, उसे भी देखेंगे। साथ में कुछ इंटरजेक्शंस का यूज करेंगे, किसका एडमिरेशन के लिए, किसका सैडनेस के लिए प्रयोग करते हैं। फिर ऐसे ही हम देखिए कुछ नाउन्स का, कुछ एडजेक्टिव्स का भी इंटरजेक्शंस के रूप में यूज होता है। तो इंटरजेक्शन से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे हम इस लेक्चर में समझ जाएंगे। पहले डेफिनेशन क्या है इंटरजेक्शंस का। सबसे पहले इंटरजेक्शंस की हिंदी है विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, कहीं कहीं एक से अधिक भी वर्ड होता है, लेकिन यह वर्ड होता है, सेंटेंस नहीं होता है, वर्ड होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इससे हम सडन मतलब अचानक, हम अचानक की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, इमोशंस होता है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे अचानक ही अगर मुझे चोट लग गई तो मुंह से जो पहली आवाज निकलेगी, पहला वर्ड निकलेगा, वह इंटरजेक्शन होगा। हो सकता है वह वर्ड आउच हो, चोट लगती है तो आउच वर्ड निकलता है। आपके मुंह से जो भी वर्ड निकले वह कहलाएगा इंटरजेक्शन। क्या होता है? सडन फीलिंग होती है। फीलिंग और इमोशन ये क्या है? फीलिंग जो हमारे अंदर जो भावनाएं होती है, फीलिंग होती है, और जो भावनाएं हमारे अंदर होती हैं वो प्रकट हो जाती हैं, वो आवाज के रूप में, चेहरे के भाव के रूप में, बॉडी लैंग्वेज के रूप में, उसको हम इमोशन कह देते हैं। तो जो भावनाएं होती हैं, दोनों की हिंदी भावनाएं ही है, तो जो भावनाएं हमसे व्यक्त होती हैं अचानक वाली, उसको कहते हैं, उस वर्ड को कहते हैं जिससे हम व्यक्त कर पाते हैं, कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन चाहे कमा का प्रयोग करना अनिवार्य है, दो में से कोई एक होता है। अगर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग कर दिया है तो इंटरजेक्शन के तुरंत बाद करना है, अगर नहीं किया है, कमा किया है, तो सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करना होगा। जरा देख लीजिए, यहाँ पे हे एक इंटरजेक्शन है, यहाँ पे कमा किया है, तो लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया है। तो जिस इंटरजेक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया है उसके बाद फुल स्टॉप, अगर नहीं किया है, कमा किया है, तो उसके सेंटेंस के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज करना है। यह है इंटरजेक्शन का डेफिनेशन। अन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। इट इज फॉलोड बाई अन एक्सक्लामेशन मार्क और अ कमा। देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हुरा लिखा है, इसको पढ़ते हैं, हुरे हुरे, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। जब हम जीतते हैं तो वहां पे हम मोस्टली हुरे सब निकालते हैं। ऐसे ही ईपी भी निकालते हैं जब जीतते हैं, तो यहाँ पे ईपी का प्रयोग हुआ है, तो ईपी वन द रेस, हम रेस जीत गए, तो हुरे ईपी का प्रयोग हम जब जीतते हैं तो निकालते हैं। फिर यहाँ पे हस मतलब चुप, हस द बेबी स्लीप, बच्चा सोया है, तो यहाँ पे हस आप जानते हैं, जब होठ पे उंगली रखकर किसी इशारा करते हैं चुप रहने की, वही हस है, चुप। फिर है आउच, चोट लगती है तो बोलते हैं आउच। आई एम स्टंग बाय अ बी, मुझे एक मधुमक्खी ने काट लिया। हे कॉल द मैन, हे उस आदमी को बुलाओ, तो यहाँ पे हे है इंटरजेक्शन। फिर हाय, आई एम गोपाल नायर, यहाँ पे हाय जो है यह भी इंटरजेक्शन है। यहाँ पे वाव, इसको पढ़ते हैं वाव, और हिंदी होती है वाह वाह। यू लुक ब्यूटीफुल, आप सुंदर दिखती हो। ईपी वन द रेस, स्टॉप, रुकिए, रुको, वियर द हेलमेट, हेलमेट पहनो। तो यहाँ पे जो स्टॉप वर्ड हुआ है, जो सडन वर्ड मुंह से निकला है, यह है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? वर्ड होता है जो सडनली हमारे मुंह से निकलता है फीलिंग के रूप में। इंटरजेक्शंस आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ग्रामर से इनका कोई संबंध नहीं होता है, यह एक वर्ड होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि इनके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन देना है। अगर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन ना देकर अगर कमा दिया है
तो सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर देना है। यह है इंटरजेक्शन, डेफिनेशन और कुछ इंटरजेक्शंस के एग्जांपल्स, और यह भी कि ग्रामर से कनेक्टेड नहीं होते हैं। नाउ इंटरजेक्शंस की हिंदी होती है विस्मयादि बोधक, और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या दिक्कत है, क्या अंतर है दोनों में, कंफ्यूजन हो जाएगा ना यहाँ पे, इसलिए इसको इसको इसके अंतर को देखते हैं। अंतर देखने से पहले इसमें सिमिलरिटी देखते हैं। सिमिलरिटी क्या है, इसमें सिमिलरिटी पहले देखते हैं। सिमिलरिटी यह है कि दोनों ही फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। फीलिंग एंड इमोशन को दोनों एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन भी एक ही बात है। फिर पहला सिमिलरिटी, दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, चाहे शुरू में हो चाहे अंत में हो। यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का होना यहाँ पे सिमिलरिटी है। दो सिमिलरिटी हो गई। अब यहाँ पे डिसिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी चाहे कहें डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, डिफरेंस में पहला नंबर, ये इंटरजेक्शन क्या होता है, एक वर्ड होता है, जबकि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो क्या है, वर्ड और सेंटेंस का डिसिमिलिटी है। दूसरी डिसिमिलिटी क्या है कि ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है यह इंटरजेक्शंस, जबकि ग्रामर के रूल को फॉलो करना कंपलसरी है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को, तो ग्रामर रूल्स को लेकर भी है। दो हो गया। फिर तीसरा डिसिमिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को तो हमने दे दिया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे अंत में रहेगा और इधर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद रहेगा चाहे सेंटेंस के अंत में रहेगा। तो ये तो हमने दे दिया है सिमिलरिटी में ही, तो दो सिमिलरिटी और दो डिसिमिलरिटी हमें मिल रही है इंटरजेक्शंस में और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस में। आप आसानी समझ गए होंगे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस सेंटेंस होते हैं जबकि इंटरजेक्शंस वर्ड होते हैं, ग्रामर रूल को फॉलो नहीं करते हैं और इनको ग्रामर रूल को फॉलो करना पड़ता है। नाउ सम इमोशंस बाय इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर एडमिरेशन का एक्सप्रेशन हो, एडमिरेशन मतलब प्रशंसा, प्रशंसा को एक्सप्रेस करना हो तो इसके लिए वाव, हिंदी में वाह, इंग्लिश में वाव का प्रयोग करते हैं। वाव यू लुक ब्यूटीफुल। हाँ, सैडनेस के लिए, उदासी के लिए हम अल्लास का प्रयोग करते हैं, इसको पढ़ते हैं अल्लास, अल्लास का यूज करते हैं हम उदासी को एक्सप्रेस करने के लिए। अल्लास, ही इज डेड, वह मर गया। हाँ, फिर जॉय के लिए, जॉय मतलब आप जानते हैं आनंद, आनंद के लिए हम हुरे, याहू, ए, इप्पी, हुरे, याहू, ए, इप्पी का प्रयोग करते हैं। जैसे हुरे, वी हैव वन द गेम, हम गेम जीत गए हैं, याहू, आई गॉट अ जॉब, मुझे नौकरी मिल गई है। फिर अप्रूवल मतलब अनुमोदन, अनुमोदन के लिए ब्रावो का प्रयोग करते हैं, इसे ब्रावो बोलते हैं, ब्रावो, और ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो आपने अच्छा किया है। नाउ एड्रेसिंग समन्स, किसी को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, किसी को संबोधित करना है तो आपको हेलो का प्रयोग करना चाहिए, एच ई एल एल ओ, हेलो, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, एड्रेस करना है किसी को, कुछ बोलना है तो हेलो से बोल सकते हैं। फिर है वंडर मतलब आश्चर्य, आश्चर्य को बताने के लिए आप ओह का प्रयोग कर सकते हैं, ओह इट्स यू, जैसे कोई आ रहा था दूर से पहचान ही, पास आते ही पहचान गए, तो सडनली पहचाना आपने तो आश्चर्य व्यक्त करेंगे, तो कहेंगे ओह इट्स यू। देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ माइनर मिस्टेक,
माइनर मतलब छोटी, मिस्टेक मतलब गलती, छोटी गलती होती है उसका एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति, स्वीकृति के लिए भी हम यूज करते हैं इंटरजेक्शंस का। यह है उप्स, अच्छा है उप्स अ डेजी, उप्स या उप्स अ डेजी जो भी करिए, उप्स करिए चाहे उप्स अ डेजी का प्रयोग करिए। तो जैसे मेरे कार में ही मेरा मोबाइल खो गया, छूट गया, तो ये छोटा सा मिस्टेक है, तो कैसे उप्स चाहे उप्स अ डेजी जो भी लिखिए, कोई एक लिखिए, आई फॉरगॉट माय मोबाइल इन द कार, मैं कार में अपना मोबाइल भूल गया, तो छोटा सा मिस्टेक है जिसे हम स्वीकार भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक्स को स्वीकार करने के लिए उप्स उप्स अ डेजी का प्रयोग करेंगे। नाउ अगर दर्द है, दर्द को व्यक्त करना है, दर्द को व्यक्त करने के लिए हम आउच करते हैं, इसे आउच पढ़ते हैं, आउच, आई एम स्टंग बाय अ बी, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। डिसलाइक नापसंद के लिए, नापसंद को आपको व्यक्त करना है तो आप आओ कहेंगे, आओ, आओ, इट टेस्ट सो बैड, यह बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बुरा स्वाद दे रहा है। साइलेंस के लिए हस, आपने पहले देख लिया हस की हिंदी चुप, हस द बेबी इज अस्लीप, बच्चा सोता है, बच्चा सो रहा है, कुछ भी कहिए। और ऐसे ही गुड ग्रेसियस, वेल डन, फॉर सेम, आह मी एटसेट्रा, जो एक से अधिक वर्ड वाले हैं इनका भी प्रयोग करते हैं इंटरजेक्शंस के रूप में। जैसे गुड ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, गुड ग्रेसियस का मतलब होता है हे भगवान, वेल डन का मतलब होता है शाबाश, फॉर सेम का मतलब होता है लज्जा की बात है, लज्जा की बात है, आह मी मतलब सरप्राइज करते हो, मैं जैसे कि कोई मेरिट लिस्ट बन रहा है उसमें नंबर वन पे आप आ गए, तो नंबर वन देखते ही आपके मुंह से जो आवाज निकलेगी वो निकलेगी आह मी, मतलब मैं नंबर वन पे आ गया, ऐसे करके। तो इस तरह से जो ये वर्ड्स हैं, एक से अधिक वर्ड्स हैं, इनका भी यूज करते हैं इंटरजेक्शंस के रूप में। कुछ नाउन्स होते हैं जिनका यूज हम इंटरजेक्शंस के रूप में करते हैं, कंग्रेचुलेशंस हो गए, हेलो हो गया, मैन हो गया, ये सब नाउन का फॉर्म्स हैं जिनका यूज हमने किया है इंटरजेक्शंस के रूप में। कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट अ जॉब, आपको आपकी नौकरी हो गई, हेलो हाउ आर यू, मैन वेयर वर यू, आप कहाँ थे। एडजेक्टिव्स का भी यूज करते हैं इंटरजेक्शंस के रूप में, जैसे ग्रेट, नाइस, गुड, स्वीट। एक तरह से कहें कि इंटरजेक्शन के रूप में किसका यूज करते हैं, तो वैसे वर्ड्स का यूज इंटरजेक्शन, या वैसे वर्ड्स इंटरजेक्शंस होते हैं जो अचानक ही आपके मुंह से निकलते हैं, चाहे वो डर के कारण से हो, चाहे खुशी के कारण से हो, चाहे किसी अन्य कारण से हो, अचानक निकलते हैं उन वर्ड्स को कहते हैं इंटरजेक्शन। अब जो वर्ड्स निकलते हैं जरूरी नहीं को इंग्लिश में ही निकले, वह हिंदी में हो सकते हैं, आपके लोकल लैंग्वेज में हो सकते हैं। तो जो भी वर्ड आपके जिस भी भाषा में मुंह से निकलते हैं वे वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि हमने कहा AWW, इसका हम यूज करते ही नहीं है, तो हम जिनका करते हैं उसको समझ सकते हैं, हम ओह का यूज करते हैं समझ सकते हैं, हम हुर्रे का यूज करते हैं तो हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे वर्ड्स का नहीं करते हैं, जिनका करते हैं समझते हैं, और बहुत सारे का करते हैं जिसको हम यूज नहीं करते बिकॉज वो इंग्लिश में नहीं है। तो किसी भी भाषा के किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड अचानक हमारे मुंह से किसी एक्सप्रेशन के लिए निकल रहे हैं तो वह सब के सब कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। तो यही इंटरजेक्शंस था, हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने देखा इंटरजेक्शंस के डेफिनेशन देखे, फिर हमने देखा कि इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस के बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिसिमिलरिटी है, फिर हमने देखा कि एडमिरेशन के लिए, सैडनेस के लिए, जॉय के लिए, अप्रूवल के लिए, एड्रेसिंग समवन, वंडर, एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ माइनर मिस्टेक्स, ये सब है, साथ में पेन के लिए, डिसलाइक के लिए, साइलेंस के लिए किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं एज अन इंटरजेक्शन। और साथ में यह भी देखा, ये जरूर देखा कि कुछ एक से अधिक वर्ड वाले होते हैं, गुड ग्रेसियस, वेल डन, फॉर सेम, आह मी, ये सब भी इंटरजेक्शंस है,
और देखा यह भी कि नाउंस और एडजेक्टिव्स का भी यूज कर लेते हैं इंटरजेक्शंस के रूप में। और अंत में यही कहा कि वैसे वर्ड किसी भी भाषा के हों जो अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं, इंटरजेक्शन आ जाते हैं भावना के कारण से, किसी भावना कारण से निकलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।